हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। फ्रेंड्स, आज हम 3 नंबर बाल गोपाल जी के लिए चोली बनाना सीखेंगे इस तरह की। और ये मैंने चोली 5 रो से बनाई है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। और इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2.5 mm का हुक लिया हुआ है, नंबर में 12 नंबर का हुक है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 प्लाई की ऊन ली हुई है। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद भी आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। चैन बनाने के लिए धागे को इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए लूप बन जाएगा। और लूप में से हुक डालेंगे और देखिए हुक पे धागा लेंगे और इसमें से पास कर देंगे। और इसी तरह से एक बार और करेंगे और जो नीचे वाला धागा है इसे थोड़ा हम खींच लेंगे, टाइट नहीं खींचना है। देखिए हमारी एक चैन बन गई है, 14 चैन और लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और फर्स्ट वाली को मिला के हमारी ये 15 चैन बन गई है। 15 चैन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए फिंगर रखेंगे और 3 चैन हम और लेंगे, देखिए 1, 2, 3। 15 चैन बनाई, 15 चैन बनाने के बाद 3 चैन हमने और लिए, टोटल ही हमारी 18 चैन हो गई है। देखिए बल लेंगे और जो हमने 3 चैन बनाई है उसको हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। और जहाँ पे देखिए हमने ये फिंगर रखी है, 4th चैन में हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 लूप है, 3 में से 2 करेंगे, 2 में से 1 करेंगे। देखिए डबल क्रोशिया बन गया है। और जो हमने 3 चैन स्किप करी थी फ्रेंड्स, इसको भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। देखिए एक हमारी 3 चैन का डबल क्रोशिया बन गया और एक हमने अभी बनाया, 2 हो गए। देखिए हर चैन के अंदर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। और देखिए डबल क्रोशिया बनाते कैसे हैं, बल लेंगे हुक पे और चैन में हुक को डालेंगे, धागा पिक करके लाएंगे बाहर। और देखिए 3 लूप है, 3 में से 2 करेंगे और 2 में से 1 कर देंगे। सभी चैन के अंदर से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, और इसी तरह से हम रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। और देखिए हमारे 16 डबल क्रोशिया बने हैं। हमने 15 चैन ली थी और उसके बाद हमने जो 3 चैन स्किप करी थी उसको हमने एक डबल क्रोशिया काउंट करा था, तो ये हमारे देखिए 16 डबल क्रोशिया बने। 16 बनाने के बाद देखिए अपना वर्क देखिए पलट लेंगे और यहाँ हम 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और जो हमारी दूसरी चैन है उसके अंदर से हम 2 बार बनाएंगे, 1, और सेम जगह डाल के 1 बार और बना देंगे, 2। तीसरी चैन के अंदर से भी 2 बार बनाएंगे, 1, सेम जगह डाल के 1 बार और बना देंगे। देखिए सभी चैन के अंदर से हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। और जो हमारी लास्ट वाली चैन होगी उसके अंदर से हमें 1 बार बनाना है। देखिए हमने स्टार्टिंग में 1 बनाया और इसी तरह से देखिए हम लास्ट में आएंगे तो लास्ट वाली चैन के अंदर से भी 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमारी बीच में चैन है उसके अंदर से हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे 16 डबल क्रोशिया थे, 16 के ऊपर हमारे 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और इसी तरह से हम रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। देखिए लास्ट में हमें 1 बार बनाएंगे, देखिए जो हमारी चैन है उसके अंदर से हुक डालेंगे और 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए और ये हमारे 30 डबल क्रोशिया बन गए। फर्स्ट रो में हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए थे और सेकंड रो में हमारे ये 30 डबल क्रोशिया बने। अब देखिए वर्क हम पलट लेंगे और यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3, और देखिए ये हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। और सेम जगह डाल के पहली चैन के अंदर से ही हम 1 बार और बनाएंगे, तो हमारे ये 1 चैन के अंदर से 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 और 1, 2। अब फ्रेंड्स हमें देखिए हर 5वीं चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए 1, 2,
तीन, चार, और देखिए जो हमारी पांचवी चैन आएगी उसके अंदर से हम अब दो बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और सेम जगह डाल के एक बार और बना देंगे। देखिए चार अलग बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। देखिए चार अलग बनाए, और जो हमारी ये पांचवी चैन है उसके अंदर से हम दो बार बनाएंगे, एक, सेम जगह डाल के एक बार और बना देंगे, दो। देखिए देखने में ऐसा लगेगा हमारा वर्क। और इसी तरह से देखिए चार अलग चैन में बनाइए अलग अलग चैन के अंदर से, और जो हमारी पांचवी चैन आएगी उसके अंदर से हमें दो बार बनाने रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, और थर्ड रो में हमारे पास 36 डबल क्रोशिया आए, 36। और फ्रेंड्स आपको काउंट करते हुए बनाना है, कोई स्टिच हमारी कम या ज़्यादा ना हो जाए, हर रो में आपको काउंट करना है। देखिए फर्स्ट रो में हमारे पास 16 डबल क्रोशिया थे, 16 के ऊपर हमने देखिए ये 30 डबल क्रोशिया बनाए, 30, और 30 के ऊपर हमने ये 36 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसके लिए देखिए अब फोर्थ रो में हम बाजू निकालेंगे, फ्रंट निकालेंगे और बैक साइड निकालेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए जो हमारी बाजू है इसको निकालनी है हमें, और ये फ्रंट निकालना है, और जो हमारा ये बैक साइड है ये निकालना है। और मैं आपको फ्रेंड्स समझा देती हूँ, थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी बनाने में। देखिए जो हमारा ये फ्रंट है यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया रखे हैं इधर की साइड, और दूसरी साइड भी हम 5 रखेंगे। देखिए 5 हमने फ्रंट में रखे, और इधर की साइड भी हमें 5 रखने हैं, हमें दोनों साइड बराबर रखने हैं फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो इधर की साइड भी हमारे 6 डबल क्रोशिया आएंगे। हम 36 को डिवाइड कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे 5-5 रख रहे हैं दोनों साइड। और देखिए बाजू के लिए हम यहाँ पे देखिए 8 छोड़ेंगे बाजू निकालने के लिए। देखिए इधर की साइड भी हमने बाजू के लिए 8 छोड़े, दोनों साइड हम बराबर रखेंगे। और जो हमारा ये बैक साइड का एरिया है ये वाला, इसके लिए हमने देखिए 10 डबल क्रोशिया बनाए, ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा देखिए बैक साइड फ्रंट को देख के बनाया जाएगा, जैसे कि हमारे फ्रंट में 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे और 5 हमारे यहाँ है, दोनों साइड 5-5 है, तो पीछे की साइड इन दोनों को प्लस करके बैक साइड बनाते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे यहाँ पे 6 होते और यहाँ भी 6 होते, यहाँ भी 6 होते तो यहाँ पे हमारे 12 डबल क्रोशिया बनते। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 5 और 5 प्लस करेंगे तो हमारे ये 10 डबल क्रोशिया बनेंगे बैक साइड पे। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए वर्क हम पलट लेंगे इस तरह से, 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे फ्रंट निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, और फर्स्ट वाले को मिला के हमारे ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए हमारा ये फ्रंट बन गया। अब हमें बाजू निकालनी है, बाजू के लिए हम 8 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, सॉरी फ्रेंड्स 8 चैन छोड़ेंगे हम। देखिए बल ले लेंगे पहले हुक पे, फिर देखिए 8 चैन हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चैन छोड़ेंगे। और जो हमारी 9वीं चैन है उसके अंदर हुक डालेंगे अपना, और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए एक बन गया हमारा, और देखिए हमारी ये बाजू निकल आएगी। अब हम ये बैक साइड बनाएंगे, बैक साइड के लिए हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने, एक हमारा ये बन चुका है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए हमारी ये बैक साइड निकल आएगी,
ये देखिए एक तरफ की बाजू निकल गई और पीछे का देखिए बैक साइड निकल गया हमारा ये। अब हमें देखिए फिर से दोबारा से बाजू निकालनी है, इसलिए पहले हम बल लेंगे हुक पे, फिर हम चैन को काउंट करेंगे। ए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन हम छोड़ देंगे, 8 चैन, और जो हमारी 9वीं चैन है उसके अंदर हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया हमारा बन गया, 4 और बनाएंगे, फ्रंट निकालेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए फ्रेंड्स हमारी दोनों साइड की बाजू निकल आई, और देखिए हमारा फ्रंट भी निकल आया, और ये देखिए हमारा बैक साइड भी है। अब हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब हम देखिए वर्क पलट लेंगे और 3 चैन लेंगे, 1 2 3। और फ्रेंड्स अभी हम देखिए ये टोटल स्टिच करेंगे तो हमारी ये 20 स्टिच है, 20 देखिए 5 और 10 15 और 5 और मिलाएंगे तो ये हमारी 20 बन जाएगी। टोटल हमारी ये 20 डबल क्रोशिया बने। अब हम 20 के ऊपर 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर चैन के अंदर से एक एक बनाएंगे पांचवी रो में। देखिए 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से फ्रेंड्स हर चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गया है, हमने 20 के ऊपर 20 डबल क्रोशिया बना दिए। अब चोली को देखिए हम ज्वाइंट कर देंगे फ्रंट से, अगर आपको खुली रखनी है तो आप देखिए इस तरह से रख सकते हैं, एक चैन लेके धागा कट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे बंद करूंगी चोली। देखिए जो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 3 चैन ली थी, ये देखिए थर्ड चैन में हुक को डालेंगे, धागा पिक करेंगे और पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे। स्लिप चैन से हमने देखिए ज्वाइंट कर दिया। अब एक चैन लेके धागे को कट करेंगे। अब इसकी किनारी बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारी चोली बन के तैयार है 3 नंबर बाल गोपाल जी के लिए। और देखिए आप चाहो तो इस तरह से भी चोली रख सकते हैं, देखिए, और ये दोनों साइड से सीधी होती है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि हमारी उल्टी सीधी इसमें है कुछ, बस ये थोड़ा देखिए दूसरी साइड से हमारा डिजाइन उभर जाता है इस तरह से, तो मैं हमेशा ऐसे ही चोली रखती हूँ। अब इसकी किनारी बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अब चोली की किनारी बनाएंगे, चोली की देखिए जो हमारे ये पांचवा, देखिए पांचवी रो में हमारा ये डबल क्रोशिया है। देखिए यहाँ से हुक डालेंगे और धागे को हम ज्वाइंट कर देंगे स्लिप चैन से, और इसी जगह पे हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया देखिए कैसे बनाते हैं, बल नहीं लेना है हमें, हुक डालेंगे, धागा पिक करके लाएंगे और 2 लूप है, 2 में से 1 कर देंगे। इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बन गया हमारा, सेम जगह डाल के एक और बना देंगे 2। और देखिए जो हमारा दूसरा स्पेस है यहाँ पे भी हमें 2 बार बनाना है, 1 2, हर स्पेस में से हमें 2 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से 1 2, 1 2, और जो देखिए सबसे ऊपर वाली रो है हमारी, यहाँ पे भी हम 2 बार बनाएंगे, 1 2। देखिए 1 2 3 4 5, 5 रो में हमने बना दिया। अब देखिए हम सबसे ऊपर आ गए कॉर्नर पे, कॉर्नर पे आके हमें एक चैन लेनी है, अगर हम चैन नहीं लेंगे तो हमारा खिंचाव आ जाएगा फ्रेंड्स इधर की तरफ, तो हमें एक चैन लेनी है। और यहाँ पे देखिए हम बल लेंगे और ऊपर की साइड हम डबल वो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं, मैं यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए यहाँ बनाया हमने, अब इस वाले स्पेस में डाल के देखिए 3 लूप है, 3 में से 1 कर देंगे, बल लेंगे,
हुक डालेंगे, धागा पिक करके लाएंगे, तीन लूप है, तीन में से एक कर देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पे देखिए हम दो दो स्टिच छोड़ेंगे, एक दो, जो हमारा ये दूसरा स्पेस है। देखिए एक स्पेस हमारा ये रहा और एक ये है, दूसरे स्पेस में हुक डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। देखिए एक दो, दूसरे स्पेस में हुक डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए दो दो डबल क्रोशिया छोड़ रहे हैं हम, एक दो। और इसी तरह से मैं देखिए यहां आ जाऊंगी बनाते हुए कॉर्नर तक। देखिए फ्रेंड्स मैं बनाते हुए कॉर्नर तक आ गई हूँ। अब देखिए इधर की साइड आने के लिए हमें एक चैन लेनी है मोड़ पे आके, जैसे हमने इधर की साइड एक चैन ली थी। अगर हम चैन नहीं लेंगे तो हमारा खिंचाव आएगा फ्रेंड्स, इसलिए हमें एक चैन लेनी है। आप चाहो तो दो चैन भी ले सकते हैं। और देखिए जो हमारा ये फर्स्ट रो का डबल क्रोशिया है, यहाँ पे भी हम दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ आके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। और इसी तरह से बनाते हुए फ्रेंड्स हम नीचे तक आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए मैं लास्ट तक आ गई हूँ। अब लास्ट में आके हम एक चैन लेके धागे को कट करेंगे, और ये थोड़ा धागा हमें बड़ा रखना है इधर की साइड भी, और हमने देखिए इधर की साइड भी बड़ा रखा है, और दबाना नहीं है क्योंकि हमें नॉट लगानी है इन दोनों को। अब देखिए फ्रेंड्स बाजू के किनारे बनाते हैं। देखिए थोड़ा धागा हम बड़ा रखेंगे और यहाँ से ज्वाइन करेंगे फोर्थ रो से। ये देखिए यहाँ से ज्वाइन करेंगे स्लिप चैन से, और यहाँ पे हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने दो दो बार बनाए, मगर हमें बाजू में एक एक बार बनाना है फ्रेंड्स, हर स्पेस में से बनाना है। देखिए चैन के अंदर से नहीं बनाना है, स्पेस में हुक डाल के बनाना है। और इसी तरह बनाते हुए देखिए यहां तक आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड मैंने दूसरी साइड भी किनारे बना दिए। आप इनकी नोट लगाएंगे, देखिए जैसे मैंने इस बाजू में लगाई है नोट। अगर हम नोट नहीं लगाएंगे तो देखिए हमारी बाजू खुली खुली लगेगी, और फ्रंट से भी देखिए ओपन ओपन से लगेगा, इसलिए हमें नोट लगाना जरूरी है। पहले हम इसे देखिए पलट लेंगे ड्रेस चोली को, और जो हमने देखिए ये धागे छोड़े थे इनको पकड़ के हम दो तीन नोट लगा देंगे। इन धागों को हम देखिए दबा देंगे इसके अंदर से इस तरह से, ताकि ये दिखे ना हमारे धागे। इस तरह से हम छुपा देंगे इन धागों को, और जो एक्स्ट्रा है उनको कट कर देंगे। देखिए आप सीधा करके दिखाते हैं, देखिए इस तरह से लुक आएगा हमारी चोली का। और इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे बाजू पे भी नोट लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी चोली बनके बिल्कुल तैयार है, और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। मैंने इसमें देखिए पांच रो बनाई है, एक दो तीन चार पांच, और हमारी चोली के लास्ट में 20 स्टिच आए हैं, 20, 10 हमारे फ्रंट पे है और 10 हमारे बैक साइड पे। फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेगा, फ्रेंड फैमिली के संग शेयर करेगा।